रोहतक के बहुचर्चित बबलू पहलवान परिवार हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ आ गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देश पर हरियाणा के डीजीपी ने अब पूरे मामले की जांच रोहतक पुलिस से लेकर स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। फिलहाल परिवार का इकलौता बेटा और आरोपी अभिषेक मलिक जेल में बंद है और जल्द ही स्टेट क्राइम ब्रांच उससे पूछताछ कर सकती है। रोहतक पुलिस की जांच में अभिषेक मलिक को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक उसने ही अपने पिता प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान, माँ बबली, बहन नेहा और नानी रोशनी की गोली मारकर हत्या की और फिर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक अभिषेक मलिक ने अपने दोस्त कार्तिक लठवाल को देने के लिए अपने परिवार से 5 लाख रुपए मांगे थे, जिसकी मांग पूरी ना होने के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि बार बार पुलिस की इस जांच पर सवाल उठ रहे थे कि इस छोटी सी बात पर कैसे कोई अपने पूरे परिवार को मार सकता है। कोर्ट में पेशी के दौरान अभिषेक मलिक ने खुद को निर्दोष बताते हुए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की और उनके वकील भी बार बार किसी स्वतंत्र एजेंसी से इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे थे। फिलहाल हरियाणा पुलिस महानिदेशक ने इस मामले की जांच रोहतक पुलिस से लेकर स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। अब देखना यह होगा कि स्टेट क्राइम ब्रांच किस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाती है। इस केस में प्रॉपर्टी एंगल, रिश्तेदार, दोस्त कार्तिक लठवाल आदि कई ऐसे पहलू हैं जिनकी दोबारा जांच की जा सकती है। क्या स्टेट क्राइम ब्रांच कुछ अलग ढूंढ पाएगी? फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन शुरू से ही यह मामला संदेह के दायरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा मिरर।